एवरीवन, टुडे आई विल स्टार्ट इंग्लिश ग्रामर फॉर एवरी कॉम्पिटिशंस, ओके। एंड तो आज का जो बेसिक क्लास होगा तो उसी से स्टार्ट करेंगे, लेकिन सारी जो कंपटीशन की क्लासेस जितने भी होंगे वो सारे मैं आज इसमें कवर करूंगा इस यहाँ से। और टुडे विल बी द फर्स्ट क्लास एंड इट विल बी द कॉम्पिटिटिव क्लासेस, ओके। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश का बेसिक इंग्लिश ग्रामर, बेसिक इंग्लिश ग्रामर में हम लोग पढ़ेंगे। और बेसिक इंग्लिश ग्रामर में हम लोग जितने भी तरह के एग्जाम्स के लिए होते हैं, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के होंगे, चाहे एसएससी होंगे, बैंकिंग होंगे, एनडीए होंगे, और इस टाइप ऑफ कम्पिटिशन्स है ना, सबके लिए ये कवर होगा। और ये एकदम बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा। आज का जो ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर मैंने स्टार्ट किया वो सबको सिलेबस को कवर करते हुए किया जाएगा। तो अब हम लोग सबसे पहले बेसिक इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। सेंटेंस जिसको हिंदी में हम लोग वाक्य कहते हैं, और सेंटेंसेज स्टार्ट करने के पीछे रीज़न भी है। कुछ ऐसे चीज़ों को बताया जाएगा जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर के लिए बेसिक इंपॉर्टेंस होंगे, और उन सभी चीज़ों को मैं यहाँ पे कवर करूँगा। तो सेंटेंस के पहले सबसे पहले इसका डेफिनेशन से ही देखेंगे कि डेफिनेशन क्या होता है। तो सेंटेंस का डेफिनेशन होता है ए सेंटेंस इज अ रियल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स that gives a complete sense। तो यहाँ पे कि इसका मतलब ये हुआ कि सेंटेंस वैसे रियल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होते हैं जो एक परफेक्ट मीनिंग देते हैं, जिसका एक अपना कंप्लीट सेंस होता है। एज फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो आई रीड इंग्लिश, ये इसका एक सेंस है, इस कंप्लीट सेंस देता है। एंड अगर ऐसा कहा जाए वी पटना गो रीड, तो ये मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं, क्योंकि रियल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स नहीं है, जिस वजह से ये तो सेंटेंस होगा ये सेंटेंस नहीं कहलाएंगे। तो अब ये बेसिक इंपॉर्टेंस बातें समझ में आ जाने के बाद आपको देखना है कि सेंटेंस एक्चुअली क्या है। जैसे मैंने बताया था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले एक सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर वर्ब में कुछ भी हो सकता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं एक सेंटेंस के लिए, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब देखिए सब्जेक्ट में हम लोग सब्जेक्ट को पहले डील करेंगे, फिर वर्ब में देखिए दो तरह के वर्ब आ सकते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब और एक होता है प्रिंसिपल वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब को कैसे अरेंज करना है, या सेंटेंस में दोनों एक साथ कैसे आते हैं, या फिर दोनों में से कोई एक आएंगे वो भी आ सकता है, तो इसको हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में कहते हैं कि सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये तीन को पहले हम डील करेंगे, उसके बाद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पर आ जाएंगे। और आई विल एश्योर यू दैट ओके वट एवर आई विल टीच दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो एक बात ध्यान में रखेंगे कि आपका जो भी होगा है ना क्लासेस जो भी होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, आई एम नॉट गोइंग टू डिमांड एनी फी फ्रॉम दिस वीडियोस बिकॉज आई एम वेरी फेथफुल टू दोज बॉयज ओके हु इंस्पायर्स मी टू मच, एंड दिस वीडियोज विल बी फॉर द ऑल स्टूडेंट्स हु रियली नीड्स सच टाइप ऑफ इंग्लिश क्लासेस, and they are poor and they don't have money to pay such type of classes. So I will cover all the syllabus for all those who are really very poor students, okay। ये नहीं कह सकते कि इससे पुअर ही, एवरीबडी विल गेट बेनिफिट ऑफ दिस टाइप ऑफ वीडियोज, ओके। तो लाइव ऑडिशन ये, तो मैं यहाँ बात करता हूँ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट
किसको कहते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। एंड इफ़ यू वांट टू टेक, थोड़ा सा ध्यान देंगे वीडियो को, जो भी मैं कर रहा हूँ पढ़ाते जाऊँगा, थोड़ा सा फास्ट चलता हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे सेंटेंस के बारे में, फिर से एक बार चेक कर लेंगे। सेंटेंस इज अ रियल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ कंप्लीट सेंस, मतलब रियल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होता है ये, वर्ड्स का ऐसा अरेंजमेंट जो कहीं ना कहीं परफेक्ट मीनिंग देता हो, परफेक्ट मीनिंग देता हो। तो देखिए यहाँ पे आई रीड इंग्लिश, आई रीड इंग्लिश ये परफेक्ट मीनिंग है, बट यहाँ पे सेकंड सेंटेंस में लगेगा वी पटना गो रीड, ये अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स जो है वो परफेक्ट है ही नहीं, है ना। इस वजह से ये क्या परफेक्ट मीनिंग नहीं देता है, इस वजह से इसको हम लोग सेंटेंस नहीं बोलते। सेंटेंस का मतलब होता है रियल अरेंजमेंट होना चाहिए। रियल अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है कि एक बेसिक स्ट्रक्चर, मैंने बात किया कि सेंटेंस का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट भर ऑब्जेक्ट ये बेसिक स्ट्रक्चर होने चाहिए, ये तीन मिनिमम होने चाहिए, ठीक है, एक सेंटेंस फॉर्म करने के लिए। अब कंट्राडिक्ट करने के लिए तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब से भी तो बन सकता है, ऑब्वियसली बन सकता है, मैंने एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ मैं, जिसके लिए सबको ये फॉलो करने पर सुविधा होती है, ठीक है। फॉर कन्वीनियंस के लिए मैं बात कर रहा था, इसलिए आप इसको बहुत ज़्यादा बातों को क्या कहते हैं उसको हाईलाइट करते हैं हम लोग इस चीज़ को कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और इस तरह से यहाँ पे वर्ब में दोनों चीज़ हो सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकते हैं और प्रिंसिपल वर्ब भी हो सकते हैं, या फिर दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें से सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात करेंगे, फिर वर्ब की बात करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, फिर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में आ जाएंगे, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच विल गिव यू ईच एंड एवरी टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट इंग्लिश ग्रामर, ओके। एंड दिस विल बी द वेरी फर्स्ट क्लास फॉर बेसिक ग्रामर का, उसके बाद आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में आ जाएंगे, ओके। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे, चलिए अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात कर रहे थे, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं, ठीक है, कर्ता बोलते हैं। तो ध्यान रखेंगे इसको, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, तो सब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, वन हु, ठीक है, वन हु वर्क्स और, ठीक है, और अबाउट हुम इज सेड और written, ठीक है, एनीबडी अबाउट सेड रिटेन स्पोकिंग व्हाटएवर, मतलब सब्जेक्ट वही होता है, ठीक है, सब्जेक्ट वही होता है जो काम करता है, ठीक है, या फिर जिसके बारे में कहा जाए, लिखा जाए, पढ़ा जाए, व्हाटएवर, है ना, व्हाटएवर। मतलब अब देखेंगे एक फॉर एग्जांपल से इसको क्लियर कीजिएगा, जैसे वन हु वर्क्स दैट मीन्स राम प्लेज क्रिकेट, ओके, राम प्लेज क्रिकेट, लिसनिया, राम प्लेज क्रिकेट। तो यहाँ पे राम जो है वो क्या है, सब्जेक्ट होगा, बिकॉज हियर सम वर्क हैज बीन डन बाय राम, ओके, सम वर्क हैज बीन डूइंग, ठीक है, हैज बीन डन बाय राम, यहाँ पे कुछ वर्क जो है किसके द्वारा किया जा रहा है, राम के द्वारा, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, राम होगा, यानी कि यहाँ पे प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट कौन खेलता है, राम, इसलिए यहाँ पे देखिए जो काम करता हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट राम हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, दैट मीन्स यहाँ पे कैन स्पीक, कौन स्पीक कर सकता है, तो यहाँ पे आई, यानी आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब देखिए दो सेंटेंस, आई गिव हियर टू सेंटेंसेस वेयर सब्जेक्ट इज क्लैरिफाई हियर, मीन्स इन बोथ सेंटेंसेस राम एंड आई आर यूज एज ए सब्जेक्ट बिकॉज दे आर डूइंग जस्ट लाइक एनी वर्क, ओके। तो ये कुछ ना कुछ कोई काम कर रहे हैं, इसलिए हम इसको सब्जेक्ट बोल रहे हैं। बट Look at here, one more example, Ram is a player, okay, Ram is a player, here is no any action words, okay, यहाँ पे कोई काम नहीं किया जा रहा, but किसी ना किसी के बारे में कहा तो जा रहा है, वही sentence यहाँ पे क्या आ जा रहा था, one who works otherwise, about whom it said or written, जिसके बारे में कहा जाए, पढ़ा जाए। तो देखिए Ram is player, तो यहाँ पे किसके बारे में कहा जा रहा है, Ram के बारे में, तो दैट मीन्स यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हो गया, राम हो गया, क्योंकि इसके बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे लिखिए द काउ इज ब्लैक, अब यहाँ पे बताइए यहाँ पे कोई काम हो रहा है, इज देयर एनी वर्क हियर, ओके, नो, ऑब्वियसली नो। तो द काउ इज ब्लैक, मतलब यहाँ पे गाय काली है, तो यहाँ पे गाय काम कोई काम नहीं कर रही है गाय यहाँ पे, ठीक है,
लेकिन यहाँ पे कही जा रही है किसके बारे में, काउ के बारे में, इसलिए यहाँ पे काउ क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। तो आई होप इस सब्जेक्ट के बारे में आपको समझ में आ गई होगी, है ना। सब्जेक्ट के पार्ट्स को भी हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल बेसिक क्लासेस दे रहे हैं, इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक क्लास का इंपॉर्टेंस समझ लीजिए कि क्या कहना चाह रहे हैं हम, क्योंकि ये बेसिक कहाँ से जाके कन्वर्ट हो जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच आप जैसे ही आएंगे तो सबके सब आप पढ़ लेंगे। अब देखिए सब्जेक्ट आ गए, सब्जेक्ट के बाद आपका सेकेंड फॉर्म क्या था, सब्जेक्ट मैंने बताया था ना कि सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगा, उसके बाद आपके पास ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है। ये तीन चीजों को आपको पहले डील करना है, उसके बाद आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में आ जाएंगे। तो फिलहाल सब्जेक्ट आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। आप इफ यू वांट टू टेक स्क्रीन शॉट देन यू कैन टेक इट, अदरवाइज आई एम गोइंग अहेड। ओके, तो इस बार हम चेक करते हैं सब्जेक्ट के बाद किसकी बात वादी आती है और भर की, ठीक है, भर की बात करते हैं। लिसन, वर्ब की बात करते हैं, सेकंड टॉपिक हमारा चलेगा वर्ब का, ठीक है, वर्ब जिसको हम लोग क्रिया कहते हैं, ठीक है, क्रिया कहते हैं। तो एक्चुअली वर्ब जो होता है वो एक्चुअली होता कैसा है, इसकी जो वर्ब की जो हम फॉर्मेशन की बात करते हैं उसको थोड़ा सा डेप्थ देख लेंगे। जितने भी वर्ब होते हैं, ठीक है, जितने भी वर्ब होते हैं उसका क्रिएशन जो होता है डू या बी से होता है, ठीक है, डू या बी से होता है। तो डू या बी से होता है तो आप कैसे समझ रहे होंगे, डू जो होता है जितने भी एक्शन वर्ड्स होते हैं, ठीक है, एक्शन वर्ड्स होते हैं, और बी जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं, प्रिंसिपल वर्ब्स होते हैं, मतलब एक्जिलरी वर्ब्स होते हैं, ठीक है। डू से जितने भी एक्शन वर्ड और बी से एक्जिलरी वर्ब्स का क्रिएशन होता है, ठीक है। तो अब इसके बारे में बाद में हम डिटेल में पढ़ लेंगे, फिलहाल आप देख लीजिएगा कि देख लेंगे, पहले यहाँ पे जो चीज़ें बता रहे हैं उसको आप देख लेंगे। वर्ब में हम लोग पढ़ते हैं तो वर्ब क्या होता है, एक्चुअली वर्ब जो होता है इसको हम लोग दो टाइप में पहले पढ़ लेते हैं। एक होता है प्रिंसिपल वर्ब, ठीक है, एक है प्रिंसिपल वर्ब, एक है प्रिंसिपल वर्ब, और एक होता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, प्रिंसिपल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तो प्रिंसिपल वर्ब जो होता है उसे हम लोग मेन वर्ब के रूप में भी जानते हैं, यानी कि प्रिंसिपल वर्ब और मेन वर्ब भी कहते हैं इसे, और हेल्पिंग वर्ब को हम लोग एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, ठीक है, एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, क्लियर है। तो वर्ब जो है उसे दो पार्ट में हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, प्रिंसिपल वर्ब, मेन वर्ब जिसको कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब जिसको कहते हैं, और प्रिंसिपल वर्ब मेन वर्ब में एग्जांपल्स के रूप में या डेफिनेशन पहले देख लीजिएगा। डेफिनेशन क्या होता है, डूइंग वर्ड्स, ओके, डूइंग वर्ड्स, डूइंग वर्ड्स और एक्शन शोइंग वर्ड्स, और एक्शन शोइंग वर्ड्स, वर्ड्स आर कॉल्ड, आर कॉल्ड, ओके, आर कॉल्ड प्रिंसिपल वर्ब, अदरवाइज मैन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, वर्ब्स और मैन वर्ब्स, मैन वर्ब्स, ओके। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखिए, प्ले, गो, ईट, रन, स्लीप, एटीसी, इस तरह के जितने भी एक्शन, कुछ भी वर्ड आप बोलो उससे कहीं ना कहीं कोई एक्शन वर्ड्स को शो करेगा या डूइंग वर्ड्स को शो करेगा, तो वैसे को हम प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स के डेफिनेशन में अगर आप जानना चाहते हो तो देख लो एक बार कि डेफिनेशन में आप लिखोगे हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स आर द वर्ब्स दैट आर यूज्ड टू सपोर्ट, टू सपोर्ट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को सपोर्ट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है सेंटेंस में। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे ही इज अ बॉय, अब देखिए ही और ए बॉय है ना, नाउन प्रोनाउन, एक प्रोनाउन है एक नाउन है, इन दोनों को सपोर्ट करने के लिए क्या है, इज आया है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस को, ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, और हेल्पिंग वर्ब जो है जनरली सब्जेक्ट के सपोर्ट के लिए ही आते हैं, इसलिए इसका नाम ही हेल्पिंग वर्ब है या एक्सिलरी वर्ब है। और इसके लिस्ट जो होते हैं, हेल्पिंग वर्ब के जो लिस्ट होते हैं वो आपके टेबल पे है, ध्यान दीजिएगा, डू, डज, डिड, ठीक है, इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, ओके, हैड, हैड, शैल, अदरवाइज विल, ओके। सच टाइप ऑफ वर्ड्स आर नोन एज हेल्पिंग वर्ब्स एंड दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल फॉर वर्ब, ओके। एंड लास्ट वन ऑब्जेक्ट, आई थिंक इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, and you must take a photo screenshot for this table, and I am going for the next one, and that will be object, okay।
ऑब्जेक्ट, लिसन, ऑब्जेक्ट, थर्ड वन इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जिसको हम हिंदी में कर्म कहते हैं, कर्म कहते हैं। तो द डेफिनेशन पे आप चेक करेंगे, द रिजल्ट, द रिजल्ट ऑफ वर्ब, वर्ब फॉल्स ऑन दैट, दैट दैट थिंग, दैट थिंग इज नॉन एज ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है कि रिजल्ट किसका, किसका, वर्ब का, क्रिया का फल जिस पे पड़ता है, ठीक है, क्रिया का फल जिस पे पड़ता है वही ऑब्जेक्ट होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पे देखिए, आई ईट अ ब्रेड, ओके, आई ईट अ ब्रेड, तो आई ईट, मैं क्या खाता हूँ, ईट, ईट मतलब मैं खाता हूँ, तो ईट, ईट का रिजल्ट किस पे पड़ रहा है, ब्रेड पे, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। उसी तरह से सी, सी किल्स, सी किल्स द एंट्स, सी किल्स द, किसको किल्स कर रही, एंट्स को, तो यानी कि किल्स का रिजल्ट किस पे पर, एंट्स पे, इसलिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। उसी तरह से एक और एग्जांपल लीजिए, राम, ठीक है, राम बीट्स, राम बीट्स द बॉय, तो राम के मारने का परिणाम किस पे पड़ रहा है, बॉय पे, तो यानी बॉय ऑब्जेक्ट हो गया। तो आई थिंक कि एक सेंटेंस फ्रेम, एक सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये यहीं पे क्लियर होता है। इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट टॉपिक होगी, नेक्स्ट क्लास होगी, वो बहुत ही सिस्टमैटिक वे से दी जाएगी और इस तरह के सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएगी विदाउट हैव पेइंग एनी फी। दिस विल बी वेरी फ्री क्लासेस एंड आई इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन, ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू, यू मस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस।